अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू चैनल टिप इन्फो। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है कंप्यूटर साइंस का, फार्मेसी टेक्नीशियंस के स्टूडेंट्स के लिए। तरतीब से तमाम लेक्चर आपसे जैसे सिलेबस के मुताबिक है, पंजाब फार्मेसी काउंसिल के सिलेबस उसके मुताबिक आपको कवर किया जा रहा है इसके अंदर। तो आज लेक्चर नंबर 6 है, इससे पहले 5 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया होगा प्लेलिस्ट का, उसमें जाके प्रीवियस तमाम लेक्चर आप देख सकते हैं। तो डेयर स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पीसी टूल्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद नोट्रॉन यूटिलिटीज़, ग्राफिक्स और डेटाबेस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आज के टॉपिक में यही चीज़ें शामिल हैं, इनको डिटेल से हम आगे देखते हैं। जैसे कि हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बताया जाता है कि इस टॉपिक के अंदर हम ये चीज़ें शामिल हैं, ताकि एक ही इस स्लाइड में एक ही पॉइंट पे आपको जो है पूरे टॉपिक का ओवरव्यू हो जाए। तो आज हम प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं पैकेजेस का। ये डिफरेंट तरह के पैकेजेस हैं। इस पैकेजेस के अंदर आज हम कंप्यूटर के अंदर जो पैकेजेस होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं यूटिलिटीज या फैसिलिटीज होती हैं, तो उसमें एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो एमएस वर्ड और इसके बाद ग्राफिक्स, ये कंप्यूटर पैकेजेस हैं। इसके बाद है आपके पास डेटाबेसिस के बाद है हमारे पास एमएस एक्सेल। ये तमाम कंप्यूटर पैकेजेस हैं कंप्यूटर्स के अंदर। और नोट्रॉन यूटिलिटीज़ का पैकेजेस भी होता है, यानी फैसिलिटीज़। और इसके बाद है पीसी टूल्स, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक में हमारे पास शामिल है, उसमें हम बस सिर्फ पहले 4 पॉइंट देखेंगे, पीसी टूल्स और नोट्रॉन यूटिलिटी, ग्राफिक्स, इसके बाद डेटाबेस, ठीक है। ये 4 जो टॉपिक हैं ये आज डिस्कस किए जाएंगे। ये जो फर्दर ये 2 टॉपिक हैं एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ये आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको जैसे पता है कि पीसी टूल्स जो है, टूल्स कहते हैं किसी भी चीज़ जिसकी मदद से कोई चीज़ उसमें सेटिंग की जाए। तो बेसिकली पीसी टूल जो है कंप्यूटर की सेटिंग्स के मतलब जो है सोलते हैं, वो उनको पीसी टूल्स कहा जाता है। यानी कंप्यूटर्स को डिफरेंट तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं, उसमें माउस की सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग, स्क्रीन डिस्प्ले की सेटिंग वगैरह वगैरह, तमाम जो सेटिंग्स हैं वो किस में आती हैं, पीसी टूल्स में आती हैं। तो इसको आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से। द कंट्रोल पैनल इज फुल ऑफ टूल्स टू चेंज द वेज विंडोज लुक्स एंड बिहेव। यानी कंट्रोल पैनल के अंदर सेटिंग की ऑप्शन होती है, उस टूल्स की मदद से जो है हम विंडोज़ का जो है लुक एंड बिहेव का तरीका जो है, यानी उसको दिखाई देना, उसका बिहेवियर जो है हम बदल सकते हैं। माउस की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसी तरह कीबोर्ड के मतलब सेटिंग कर सकते हैं। और ये तमाम जो है पीसी टूल्स जो है डिस्कस करेंगे हम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ये यानी सेटिंग्स हैं, वो डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले आप देखेंगे पीसी टूल्स में आ जाता है ऐड हार्डवेयर क्या होता है। इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि हार्डवेयर की ऑप्शन कहाँ पर आती है और सेटिंग की ऑप्शन कहाँ पर आती है। ऐड हार्डवेयर जो पीसी टूल्स है, ये पहले आप जान लें कि होता किस लिए इस्तेमाल होता है। आर यूज टू ऐड न्यू हार्डवेयर और ट्रबल शूट एनी हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यानी ऐड हार्डवेयर का जो ऑप्शन है, न्यू हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल होता है या ट्रबल शूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐड हार्डवेयर के अंदर हार्डवेयर कौन से हैं हमारे पास हैं कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, स्कैनर। ये न्यू तरह के हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए ऐड हार्डवेयर के सेटिंग इस्तेमाल की जाती है, ये पीसी टूल इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स। ऐड और रिमूव प्रोग्राम जो है इस्तेमाल होता है मैनेज प्रोग्राम्स एंड कंपोनेंट ऑन योर कंप्यूटर्स। यानी इसकी मदद से हम जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को और कंपोनेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ऑटोमेटिक अपडेट जो है पीसी टूल सेटिंग इस्तेमाल किया है। विंडोज चेक्स फॉर अपडेट फॉर दैट कैन हेल्प प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर अगेंस्ट द लेटेस्ट वायरस एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स। यानी इसकी मदद से जो है हम लेटेस्ट वायरसेस और दूसरे सिक्योरिटी थ्रेट्स को चेक कर सकते हैं ऑटोमेटिक अपडेट की मदद से। यानी अगर हम अपडेट की ऑप्शन जो है देखते हैं, तो उसमें हमें जो है विंडोज़ जो है फर्दर हमारे पास आती है कि विंडोज़ की अपडेट आ गई है, उसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं,
या नहीं करना चाह रहे। इसकी फर्दर भी सेटिंग हम कर सकते हैं कि इसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर ले या हमसे पूछ के अपडेट करे। तो मकसद इसका ये होता है कि प्रोटेक्ट करना हमारे सिस्टम को, कंप्यूटर को, जो लेटेस्ट वायरसेस आ जाते हैं या सिक्योरिटी थ्रेट आ जाते हैं उनसे हमारे सिस्टम को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, इसका मकसद होता है जो ऑटोमेटिक अपडेट्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है इंटरनेट ऑप्शंस की। इंटरनेट ऑप्शंस की भी सेटिंग ऑप्शन टूल्स इस्तेमाल होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं टू चेंज और ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड कनेक्शन सेटिंग। इंटरनेट ऑप्शन के लिए हम जो है अपने कनेक्शन, जो इंटरनेट कनेक्शन होता है उसकी सेटिंग कर सकते हैं, अपनी इंटरनेट कनेक्शन की प्राइवेसी की सेटिंग कर सकते हैं, उसको और सिक्योरिटी की चेंजिंग या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इंटरनेट ऑप्शन टूल्स की मदद से। ठीक है, इसके बाद है डेट एंड टाइम्स। डेट एंड टाइम्स जो है ये सेटिंग इस्तेमाल होती है किसके लिए, चेंज करने के लिए डेट एंड टाइम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेट एंड टाइम को चेंज करने की इस्तेमाल होती है। और डिस्प्ले जो सेटिंग है ये इस्तेमाल होती है हमारे पास किसके लिए, चूज डिफरेंट डेस्कटॉप थीम, डेस्कटॉप थीम को चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग, और क्रिएट योर ओन थीम, अपना ओन थीम, अपना थीम बना सकते हैं। चेंज चूज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, बैकग्राउंड्स की सेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। द साइज ऑफ द विंडोज टेक्स्ट फॉन्ट, उसका साइज भी हम इससे कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, पीसी टूल्स हम पढ़ रहे हैं, यानी पीसी की आप कह सकते हैं सेटिंग है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। इसका पार्ट टू के अंदर हम देखते हैं कि माउस की सेटिंग भी हमारे पास इस्तेमाल होती है। अगर माउस को सेटिंग के अंदर चाहें तो उसके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो फंक्शन होते हैं माउस के, जैसे क्लिक की स्पीड, मूवमेंट ऑफ द माउस कर्सर, ये तमाम चीज़ें लेफ्ट राइट क्लिक को चेंज कर सकते हैं माउस की सेटिंग में जाकर। ठीक है, इसके बाद है कीबोर्ड की सेटिंग किस लिए इस्तेमाल होती है। कीबोर्ड का पीसी टूल है, इस्तेमाल होता है टू मैनेज डिफरेंट फंक्शंस की, डिफरेंट फंक्शन कीज जो है कीबोर्ड की उसको मैनेज करने के लिए हम कीबोर्ड सेटिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेटवर्क कनेक्शन। नेटवर्क कनेक्शन जो है इस्तेमाल होता है हमारे पास, मैनेज आवर नेटवर्क कनेक्शन, वी कैन ऐड और रिमूव और चेंज द सेटिंग ऑफ नेटवर्क। हम इसकी मदद से जो है अपना नेटवर्क ऐड कर सकते हैं, उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं उसको। ठीक है, रीजनल एंड लैंग्वेज सेटिंग, ये जो टूल है इस्तेमाल होता है सेलेक्ट आवर रीजन्स, कंट्री, लोकेशन एंड लैंग्वेज के लिए हम रीजनल एंड लैंग्वेज सेटिंग इस्तेमाल करते हैं। विंडोज फेयरवॉल्स की भी सेटिंग होती है, ये इस्तेमाल की जाती है, फेयरवॉल हेल्प्स टू कीप योर कंप्यूटर मोर सिक्योर, इसकी मदद से हम कंप्यूटर को ज़्यादा सिक्योर रख सकते हैं फेयरवॉल की मदद से। फेयरवॉल एक्ट एज अ बैरियर एंड चेक्स इंफॉर्मेशन, जो फेयरवॉल पीसी टूल है विंडोज़ का, इसके हम जो है रुकावटें लगा सकते हैं जो ट्रैफिक आती हैं इंटरनेट से, यानी हमारे सिस्टम के ऊपर जो चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, अपलोड होती हैं, वहाँ पर हम चेक्स लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें अपलोड करें इंटरनेट से और कौन सी ना करें इंटरनेट और नेटवर्क से। ठीक है ना, देन आइदर टर्न्स इट अलो और अवे आर अलो इट टू पास थ्रू योर कंप्यूटर, यानी हम उसकी सेटिंग इस तरह कर सकते हैं कि जो भी इंटरनेट से या नेटवर्क से चीज़ आया है वो आपके सिस्टम से इंटर अवे गुजर जाए या ना गुजरे। ठीक है, उसको दूर रखा जाए या उसको गुजरने दिया जाए, तो इस तरह की सेटिंग जो है हम विंडोज़ फेयरवॉल में जाके कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन फेयरवॉल सेटिंग, आपकी फेयरवॉल की सेटिंग किस तरह की होती है। यूज़र अकाउंट्स की भी सेटिंग हम कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट यूज़र अकाउंट आप बना सकते हैं, अपना चाइल्ड अकाउंट बना सकते हैं और दूसरे जो है होस्ट अकाउंट बना सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं उसका अकाउंट नेम, पासवर्ड, डिस्प्ले सेटिंग, पिक्चर्स की डिस्प्ले। तो ये तमाम चीज़ें किस में होती हैं, यूज़र अकाउंट्स की सेटिंग में होती हैं। ठीक है, तो साउंड्स और ऑडियोज का डिवाइस की भी हमारे पास पीसी टूल्स या सेटिंग होती हैं, इसके में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं असाइन साउंड टू द सिस्टम इवेंट्स, हम साउंड सेटिंग इसमें कर सकते हैं, चेंज द सिस्टम साउंड्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम हम चेंज कर सकते हैं साउंड्स का। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसके अंदर सिस्टम साउंड वॉल्यूम के बाद उसका वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं मल्टीमीडिया रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के लिए। ठीक है, एडजस्ट द वॉल्यूम मल्टीमीडिया प्लेबैक डिवाइसेस के लिए हम इसको डिवाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पीकर का वॉल्यूम जो है ऑडियो एंड वीडियो सेटिंग में जाकर उसको सेट कर सकते हैं। बाद का तो आप देखते हैं कि आपका स्पीकर मूड लगा होता है तो उसको हम मूड की सेटिंग किस में जाके बदल सकते हैं, साउंड एंड ऑडियो डिवाइसेस के अंदर जाके बदल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नोट ऑन यूटिलिटी।
नॉट ऑन यूटिलिटी जो है किस लिए इस्तेमाल होती है, प्राइवेसी, हम इसकी मदद से हम कंप्यूटर को प्राइवेसी यानी रख सकते हैं, किसी प्राइवेट चीज़ को हमारे कंप्यूटर्स के अंदर एक्सेस नहीं मिल सकती, जैसे कि वायरसेस होते हैं या डिफरेंट फाइल्स होती हैं जो इंटरनेट से डाउनलोड होती हैं। तो इसको हम इस तरह पढ़ते हैं कि कंप्यूटर सेव्स हिस्ट्री फ्रॉम ऑल इवेंट्स व्हेन एवर वी यूज कंप्यूटर फॉर जनरल पर्पस लाइक वर्किंग इन ऑन फाइल और सफरिंग इंटरनेट। दिस फंक्शन अलाउ टू क्लीन एंड मैनेज दी मैनेज कर सकते हैं किस चीज़ को, ये चीज़ें डॉक्यूमेंट हिस्ट्री को हम मैनेज कर सकते हैं, फाइंड एंड रिसर्च हिस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं, स्कैन एंड स्कैन डेस्क डेस्क टेम्परेरी फाइल्स, क्लिपबोर्ड कंटेंट रन हिस्ट्री टेम्परेरी फाइल्स, डायरेक्टरी रिसाइकल बिन, ब्राउजर हिस्ट्री, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, यानी नॉट ऑन यूटिलिटी की मदद से जो हम कंप्यूटर की जो हिस्ट्री होती है उसको हम जो है डिलीट कर सकते हैं, उसके रिसेंट जो फाइलें इस्तेमाल होती हैं या जो इंटरनेट से जो वेबसाइटें इस्तेमाल होती हैं, तो प्राइवेसी के ऑप्शन में सेटिंग में जाकर हम ये तमाम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं जो आपको मैंने बताई हैं कि रिसाइकल बिन को भी रिमूव कर सकते हैं, ब्राउजर की हिस्ट्री को भी सेटिंग या रिमूव कर सकते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ट्रेसेस को भी ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप जो है इसको फर्दर फर्दर पढ़ लें, अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है नॉट ऑन यूटिलिटी में रिकवरी की फैसिलिटी, रिकवरी का आप कह सकते हैं सेटिंग है या किसी टूल है, ठीक है ना। इसके अंदर बाय यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन रिकवर डिलीटेड फाइल एंड फाइंड डुप्लीकेट फाइल्स, मैनेज द कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क, रिपेयरिंग ड्राइवर्स एंड अनइंस्टॉल द अनयूज्ड अनवांटेड सॉफ्टवेयर, यानी रिकवरी की मदद से जो हमारी जो फाइल डिलीट हो चुकी होती हैं उसको हम दोबारा अपने सिस्टम में लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, या उसकी डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं किसी भी फाइल्स की जगह जो हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क में पड़ी होती हैं, ठीक है ना। रिपेयरिंग ड्राइव को रिपेयर कर सकते हैं रिकवरी की मदद से, और अनइंस्टॉल कर सकते हैं जो कि जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं होते, अनवांटेड हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो रिकवरी की ऑप्शन मदद से उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो रिकवरी की ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, इसमें नंबर वन है रिकवर लॉस्ट फाइल, जो फाइल ज़ाया हो चुकी है उसको रिकवर कर सकते हैं, डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं, रिपेयर हार्डवेयर कर सकते हैं, रिस्टोर रजिस्ट्री बैकअप कर सकते हैं, और अनइंस्टॉल कर सकते हैं अनयूज सॉफ्टवेयर को। ये तमाम जो ऑप्शन जो हैं पांच किस्म की, ये रिकवरी की सेटिंग में जाकर हम कंप्यूटर्स के अंदर कर सकते हैं। ग्राफिक्स में क्या आता है हमारे पास, पिक्टोरियल, जो हमारा जो आजकल का कंप्यूटर सिस्टम है वो GUI है, GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी तमाम जो चीज़ें हैं वो पिक्चर की शक्ल में होती हैं, कोई भी इमेज, कोई भी आइकॉन है, किसी भी प्रोग्राम का नाम है तो वो उसकी शक्ल होती है, तो उस शक्ल को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स कहते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टू समराइज हाईलाइट इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड असिस्ट प्रोफेशनल इन कम्युनिकेटिंग मटेरियल इफेक्टिवली, यानी हम जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से एक ही पिक्चर के अंदर तमाम जो है चीज़ें हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के मुतलक है, अगर डॉक्यूमेंट्स का मुतलक होगा तो उसके मुतलक यूँ W लिखा होगा वर्ड, यानी एक्सेल के मुतलक होगा तो उस तरह एक्स क्रॉस का साइन बना होगा, ठीक है, इसी तरह पावर पॉइंट का होगा तो उसके ऊपर यूँ P बना होगा। तो इस तरह के यानी जो ग्राफिकल इंटरफेस है उससे प्रोग्राम्स का पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम जो है किस चीज़ के मुतलक हैं, ठीक है ना। ग्राफिक सॉफ्टवेयर ट्रांसफॉर्म न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन इनटू लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और बार ग्राफ, यानी इसके अलावा अगर हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से जो है हम लाइन ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं और बार ग्राफ बना सकते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि हमारे जो है टेक्स्ट होता है या टेबल होते हैं उसको एक पिक्चर फॉर्म में शो करा देते हैं ताकि जो है यूज़र को एक ही क्लिक में समझने में आसानी हो और एक ही पिक्चर देख के वो सारी स्टोरी समझ जाए, ठीक है। तो इसी तरह मिसाल है कि वन पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड्स, ठीक है, तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यही फायदा होता है। ग्राफिक्स परफॉर्म ऑफन अलाउ द मीडिया मेडिकल असिस्ट टू इंपोर्ट फाइल्स फ्रॉम द स्प्रेडशीट टू डेटाबेस और डेटाबेस एप्लीकेशन, यानी ग्राफिक्स प्रोग्राम्स की मदद से जो है हम जो मेडिकल असिस्टेंट की जो फाइल होती हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ से, स्प्रेडशीट से, डेटाबेस एप्लीकेशन से इंपोर्ट करके, यानी हम उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं जो इंटरनेट के ऊपर फाइल्स को पड़ी हैं, या हम वहाँ से अपने कंप्यूटर से उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। सो दैट डाटा फ्रॉम दीज फाइल कैन बी समराइज ग्राफिकली एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, यानी मकसद ये है कि डाटा को इंपोर्ट करने का मकसद ये है कि स्प्रेडशीट से या डाटाबेस से
उसको हम ग्राफिकली देख सकें, उसको समराइज कर सकें, या उसको स्क्रीन के ऊपर जो है उसको ग्राफिकल कोई शक्ल हो उस डाटे की, ताकि हमें पता चल जाए ये इस चीज़ का डाटा है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर आल्सो यूज्ड टू क्रिएटिंग यूज्ड इन क्रिएटिंग एंड डिवेलपिंग कस्टम आर्ट वर्क फॉर पेशेंट ब्रोशर्स एंड न्यूज़ लेटर। यानी ग्राफिक सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कस्टम आर्ट वर्क बना सकते हैं, किसके लिए, पेशेंट्स के लिए या न्यूज़ लेटर के तौर पर भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। यानी आज का डिफरेंट ग्राफिक सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि मैं तो इस्तेमाल करता हूँ पावर पॉइंट भी एक अच्छा ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, और कोरल ड्रा है, डिफरेंट अडोब फोटोशॉप है, तो डिफरेंट तरह के ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं, उससे हम डिफरेंट तरह से पिक्चर बनाकर पेशेंट्स को गाइडलाइन दे सकते हैं, या किसी भी अपने फिजिशियंस को समझा सकते हैं। ग्राफिकल पिक्चर में समझाना आसान होता है, तो ये ग्राफिकल आपके आजकल के सिस्टम में ग्राफिक्स की ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। सेकेंड लास्ट टॉपिक है आज का हमारा डेटाबेस। डेटाबेस क्या होते हैं? डेटाबेस आर यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यानी जो बड़ी तादाद में डाटा होता है, जैसे टेक्सुअल डाटा या पिक्टोरियल डाटा और टेबल्स वगैरह जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो बड़ी अमाउंट में डाटा होता है, उसको हम डेटाबेस के अंदर जो है स्टोर कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटाबेस की मदद से। टिपिकली डेटाबेस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड टू मैनेज वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज दैट फाउंड इन लार्ज मेलिंग लिस्ट इन्वेंट्रीज एंड हॉस्पिटल्स। यानी डेटाबेस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें डेटाबेस के सॉफ्टवेयर आ जाता है, एम एस एक्सेस आ जाता है आमतौर पर, और एक्सेल भी एक किस्म की डेटाबेस क्रिएट कर सकती है, और इसके अलावा जो है डिफरेंट डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं, तो उसके अंदर हम डिफरेंट ढंग की मेलिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेंट्रीज का रिकॉर्ड रख सकते हैं, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रख सकते हैं, तो तमाम चीज़ें जो है हम डेटाबेस के अंदर मैनेज कर सकते हैं। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड को स्टोर ऑर्गेनाइज करना, ठीक है ना। डेटाबेस हेल्प टू इंटर स्टोर सेव फिल्टर रिट्राइव एंड समराइज इंफॉर्मेशन देन जनरेट मीनिंगफुल रिपोर्ट्स। यानी डेटाबेस के अंदर जो है हम अपना डाटा को इंटर कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसको फिल्टर, यानी उसको जब हमें फाइंड करना है तो ख़ास किस्म का डाटा हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए हम फिल्टर लगाना पड़ता है, तो फिल्टर लगा सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं डाटा को, और उसको समराइज यानी मुख्तसर समरी की फॉर्म में रिपोर्ट उसकी प्रिंट कर सकते हैं, मीनिंगफुल रिपोर्ट, यानी उसको जो इतना सारा डाटा होता है ह्यूज अमाउंट में, उसको एक ख़ास रिपोर्ट की शक्ल में उसको समराइज करके रिपोर्ट बना के हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसी को भी, पेशेंट्स को भी, डॉक्टर्स को भी। डेटाबेस का मकसद यही होता है। जो आमतौर पर डेटाबेस इस्तेमाल हो रही है, उसमें होती है एम एस एक्सेस, लोटस, और ये आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली डेटाबेस हैं। इसके अलावा और भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको हम DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। ये तरह के डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें जो कॉमन है वो एम एस एक्सेस है और लोटस है। तो मकसद इनका क्या होता है? लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करना। उम्मीद है आप लोगों को डेटाबेस क्या होती है इसकी समझ आ गई होगी। लास्ट में आपका छोटा सा एक टेस्ट है कि आपने जो टॉपिक आज का सुना है तो इसकी आपको समझ आई है, नहीं आई तो आप बताएं कि डेटाबेस, क्वेश्चन ये है कि डेटाबेस हेल्प यू टू इंटर स्टोर सेव फिल्टर रिट्राइव एंड समराइज द इंफॉर्मेशन देन जनरेट, तो क्या जनरेट कर सकते हैं इन सारे काम करने के बाद? तो ऑप्शन में है प्रिंट कर सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, मीनिंगफुल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, नॉन इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही ऑप्शन है जो आपने मुझे कमेंट्स में बतानी है। वॉचिंग माई वीडियो, फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।